पहली चीज मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसके अंदर आप मंथ देख सकते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे ईयर है, ठीक है जी। अलग अलग ईयर मैं चूज कर सकता हूँ यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से। जैसे ही यहाँ चेंज करता हूँ, जो ईयर मंथ होगा वो यहाँ आ जाएगा, अटेंडेंस फॉर द मंथ और ईयर। ओहो, इससे पहले तो मैंने फॉर्मूला दिया ही नहीं है। चलिए इसको छोड़ के फॉर्मूला इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है जी। ये अभी नहीं, ओके ओके फॉर्मूला में क्या होता है कि अपना पुरानी फाइल ले लेता हूं, कि कोई भी फॉर्मूला जो स्टार्ट करते हैं हम करते हैं इक्वल से, प्लस से और माइनस से, ठीक है जी। कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो इनसे ही करेंगे। जैसे कि मैं करता हूं इक्वल टू, और फिर मैं रेफरेंसेस चूज करता हूं, यहां से ये एक एड्रेस ले लिया, प्लस इधर, ठीक है जी। तो इसमें वैल्यू डालूंगा तो वो प्लस होके आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरा मैं फॉर्मूला को प्लस से भी शुरू कर सकता हूँ, प्लस डिफरेंस लिया इस तरह से, ठीक है जी। तीसरा मैं माइनस से भी शुरू कर सकता हूँ, बट माइनस में एक दिक्कत होती है, पहली वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो वो ये रिकमेंडेड है कि हम जो यूज करें वो इक्वल टू और प्लस से कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद फॉर्मूला स्टार्टिंग के बाद, स्टार्टिंग में जो हम लगा रहे हैं इक्वल टू प्लस माइनस, उसके बाद इन दोनों के बीच में एक चीज लगा रहे हैं, ये प्लस, ठीक है जी। ये कैलकुलेशन के लिए ऑपरेटर्स होते हैं, इनको ऑपरेटर कहा जाता है। तो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और पावर, ठीक है जी। जैसे 10 प्लस 20 मैंने कर दिया, प्लस हो जाएगा। इन सबको आप जानते होंगे, आपने जो नहीं पता होगा वो होगा पावर का, ठीक है जी। तो पावर के लिए आप ये शिफ्ट के साथ 6 दबाएंगे, उसमें एक कैरेट का साइन होगा, 10 की पावर 2 कर दो, सॉरी, ठीक है जी। इस तरह से ऑपरेटर इसके यूज होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई तो सेम आपको पता है, ठीक है जी। ऑपरेटर में क्या होता है कि हम इसके बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे प्लस ये और काम, तो हर एक रेफरेंस के बाद ऑपरेटर लगाते चले जाते हैं, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है जी। अब मैथ वाले ऑपरेटर क्या करते हैं? कैलकुलेशन करके न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो कैलकुलेशन करते हैं उनको ट्रू या फॉल्स में देते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली कंडीशन के लिए यूज होते हैं, आंसर इसका हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आता है। तो जैसे मैं फॉर्मूला स्टार्ट किया इक्वल टू से, मैंने कहा कि क्या ये इक्वल टू है, रेफरेंस के बाद लग रहा है तो ये ऑपरेटर है। देन इसके आंसर आया फॉल्स, मान लीजिए अगर ये बराबर होता है इसके तो ट्रू आता, तो ट्रू फॉल्स में देता है, ठीक है जी। मान लीजिए हमें खाली जानना ही है, बहुत सारे लोग इसके लिए इफ का पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं, पर ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ये खुद ब खुद आपको बता देते हैं, ट्रू फॉल्स में खुद ही आंसर देते हैं। इसी तरह है ग्रेटर देन, क्या ये ग्रेटर देन f8, तो
तो अभी तो बड़ा नहीं है, पर अगर बड़ा होगा तो ट्रू दे देगा। ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू इसी तरह से होता है जिसमें वैल्यू बराबर हो या उससे बड़ी हो। ठीक है जी, बड़ी है तो ठीक है, बराबर है तो, खाली ग्रेटर देन करेंगे तो बड़ी है, तो बड़ी होगी तभी दिखाएगा। ठीक है जी, तो ग्रेटर देन लेस देन के ऑपरेटर तो आपको पता होंगे, नॉट इक्वल टू बता देता हूं। नॉट इक्वल टू जब वैल्यू इसके बराबर नहीं होती तो ये ट्रू देता है, अभी बराबर है तो फॉल्स देगा। इस केस में भी ट्रू देना चाहिए ना, इस केस में भी तो ट्रू देना चाहिए ना जब नॉट इक्वल टू है। कंडीशन का मतलब है कि नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, इक्वल टू का रिवर्स है ये। ठीक है जी, तो मतलब अगर इन दोनों में ये बराबर नहीं है तो ट्रू देगा, उसके हिसाब से कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, कि बराबर नहीं है, आप सही कह रहे हो बराबर नहीं, तो वो ट्रू दे रहा है। ठीक है जी, अगर बराबर नहीं होती तो, बराबर होती तो फॉल्स देगा। सिंपल, आप इक्वल टू का उल्टा कर लो, इक्वल टू के रिजल्ट को बदल लो। ठीक है जी, इसके बाद होता है अपने पास ये लॉजिकल ऑपरेटर है जो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट होते हैं, मैथमेटिकल न्यूमेरिक में रिजल्ट देते हैं कैलकुलेशन का। देन हमारे पास एक टेक्स्ट ऑपरेटर है एंड का, ये यूज होता है कंकैटिनेशन में। जैसे कि यहाँ अलग अलग सेल में मैंने वैल्यू डाल रखी है, अब एक ही सेल में चाहिए तो मुझे फॉर्मूला स्टार्ट किया रेफरेंस एंड देन एंड, ये कर दिया। ठीक है, एक ही सेल में आ गया कंकैटिनेशन ऑपरेटर। तो मान लीजिए बीच में स्पेस देना है, स्पेस इसमें तो है नहीं, या तो एक रेफरेंस एक सेल में स्पेस को डायरेक्टली देना है, डायरेक्टली किसी भी टेक्स्ट की एंट्री के लिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दे दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा। तो अब ये एक नए तरह का रेफरेंस या टेक्स्ट है, तो इसमें हम एंड एक और लगाएंगे। ठीक है जी, जैसे प्लस 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 करते जाते हैं ना, वैसे एंड 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 करते जाते हैं। ठीक है जी, तो स्पेस आ गया अपने आप। मान लीजिए इसके आगे मिस्टर लगाना था, तो इन्वर्टेड कॉमा में मिस्टर दे दिया, स्पेस यहीं दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड। ठीक है जी, इस तरह से हम स्ट्रिंग को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और टेक्स्ट ऑपरेटर, तीन तरह के ऑपरेटर बताए आपको। इस तरह से हमारा सारा काम होता है कैलकुलेशन। उसके बाद अपना एक फॉर्मूले पे चलते हैं, लॉजिकल फॉर्मूले। जो भी फॉर्मूले जो होते हैं हमारे, वो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। जैसे लॉजिकल देखने हैं तो ये सारे लॉजिकल, फाइनेंशियल ये सारे फाइनेंशियल हैं, टेक्स्ट के ये सारे टेक्स्ट के हैं, डेट टाइम के, लुकअप रेफरेंस, मैथमेटिक, स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, बहुत सारे फॉर्मूले। ठीक है जी, तो पहले हम करते हैं लॉजिकल फॉर्मूले। ठीक है जी, लॉजिकल में सबसे बढ़िया पार्ट होता है अपना इफ का। ठीक है जी, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इफ को कैसे लगाएंगे, इक्वल टू इफ। अब देखिए, कोई भी यहाँ पे जब आप टाइप करते हैं तो जो चीज ब्लू में हो जाती है इस ऑटो लिस्ट में, तो जैसे ही आप टैब दबाएंगे वो फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट होकर ब्रैकेट ओपन तक आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैंने लॉजिकल ये वैल्यू सिलेक्ट की, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। ठीक है जी, लॉजिकल टेस्ट से जो रिजल्ट आएगा, अगर ट्रू आया तो वैल्यू इफ ट्रू में जो पैरामीटर देंगे वो लेगा, फॉल्स आया तो वैल्यू इफ फॉल्स में जो पैरामीटर देंगे वो लेगा। तो लॉजिकल टेस्ट मैंने दिया कि ये जो है अगर ग्रेटर देन 50 है तो इसमें वैल्यू इफ ट्रू में देंगे ओके, वैल्यू इफ फॉल्स में दे दिया नॉट ओके। ठीक है जी, उस फॉर्मूला को ड्रैग कर दिए तो अपने आप आ गया। ठीक है जी,
देखना है कि कैलकुलेशन कैसे कैसे हुई, तो अपने पास फॉर्मूला में ही, फॉर्मूला टैब के अंदर ही इवेल्युएट फॉर्मूला है, ठीक है जी, इवेल्युएट, वैलिडेट इवेल्युएट ओके हाँ इवेल्युएट फॉर्मूला, या इवेल्युएट बटन दबाते जाएंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन आपको दिखाता जाएगा इस फॉर्मूला का। इवेल्युएट 27 ग्रेटर देन 50, फॉल्स आया, फॉल्स के केस में नॉट ओके पे जाएगा, ठीक है जी, फुल रिजल्ट। बड़े से बड़ा फॉर्मूला आप ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है जी। ओके तो इफ का फॉर्मूला क्या कर रहा है, जब यहां से कैलकुलेट होके फॉल्स आया तो नॉट ओके उठा लिया। अब देखिए कि मैंने कुछ बटन दबाया और ये चेंज हो गया, मुझे रिजल्ट बता रहा है कैलकुलेट होके सीधा सीधा, ठीक है जी। इसको इसको करते हैं, जैसे आपने कैलकुलेशन देखनी है यहीं पे देखनी है कि कैसे क्या कैलकुलेट हुआ, तो फॉर्मूला लगाने के बाद एंटर करने के बाद तब आप इसको सिलेक्ट करें कैलकुलेशन को और F9 प्रेस कर दें तो ये कैलकुलेट हो जाएगा जो भी रिजल्ट होगा, ठीक है जी। ओके इवैल्यूएट ही हो रहा है ना यहाँ पे भी, हाँ इवैल्यूएट हो रहा है, बट इसमें एक फर्क है, आप कस्टम कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं कि एक एक ने क्या कैलकुलेट किया, मान लीजिए ओके की जगह मैंने कोई और कैलकुलेशन दी होती तो सिलेक्ट करके F9 दबा के देख सकता था उसका रिजल्ट क्या आने वाला, ठीक है जी। दूसरा, अगर इसको एंटर करके आप बाहर जाएंगे तो यही वैल्यू फिक्स हो जाएगी, अब देखेंगे यही वैल्यू फिक्स हो गई तो हमारा फॉर्मूला खराब हो गया, तो इसीलिए कभी भी इसको एंटर करके बाहर नहीं जाएंगे, एस्केप करके जाएंगे बाहर, ठीक है जी। कैलकुलेशन F9 दबाने, एवेल्युएट करेंगे यदि सेल पे तो F9 ओ एस्केप दबाने, हाँ एस्केप करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो एक चीज आपने देखी कि जब यहाँ फॉल्स था तब इसने फॉल्स वाला उठा लिया, यानी कि आप डायरेक्टली ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, डायरेक्टली ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं, कंडीशन की भी जरूरत नहीं, उसे तो रिजल्ट से मतलब है, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कुछ बंदे हैं, ठीक है जी, अब ये गए अपना, इन्होंने इंटरव्यू दिया और 3 राउंड हुए, ठीक है जी, 3 राउंड हुए, मैंने कंडीशन रख दी है कि तीनों राउंडों में जिसका यस है उसको सिलेक्टेड दिखा है, बाकी को रिजेक्टेड दिखा है, ठीक है जी। तो करूंगा कैसे, लॉजिकल इवेल्युएशन पहले मुझे करनी पड़ेगी। पहले मैंने चेक किया लॉजिकल टेस्ट, क्या ये इक्वल टू वाई है, अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूं तो क्या होता है, रेफरेंस भी ड्रैग हो जाते हैं ये अपने आप, ठीक है जी। तो तीनों की लॉजिकल कंडीशन चेक हो गई, ठीक है जी, ट्रू फॉल्स आ गया। तो मेरी कंडीशन क्या है कि जब तीनों में ट्रू हो तो सिलेक्टेड दिखा दे, तीनों में ट्रू कहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो एक ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी जो तीनों को चेक करके दे, यानी कि अगर मैं इफ का फॉर्मूला बनाता हूँ तो बहुत बड़ा बनेगा, मान लीजिए मैं इसमें ये करता हूँ, ये सिलेक्ट किया मैंने, कहा ये ट्रू हो तो क्या हो जाए, एक और इफ चेक करे क्या ये भी ट्रू है, अगर ये भी हो जाए तो एक और इफ चेक करे वैल्यू इफ ट्रू में क्या ये भी ट्रू है, तो अगर यहाँ पे ट्रू मिल जाता है तो यहाँ पे दिखा देगा सिलेक्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड, ठीक है जी। तो इसकी जगह ये नहीं कर सकते क्या, इफ क्या कहते हैं B22 apostrophe S Y, सीधे Y N Y पे नहीं लगा सकते क्या जाके फॉर्मूला, ये ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, लगा सकते हैं आप यहाँ इसके, ये तो मैंने फॉर्मूला को समझने में आसानी है इसके लिए आपको ऐसे रेफरेंस में दिया है। ओके कोई भी फॉर्मूला जो लगाएंगे ना, बड़े बड़े फॉर्मूला जो लगाएंगे वो डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते कोई भी, ठीक है जी, लॉजिक तोड़ तोड़ के लगाते हैं कोई भी फॉर्मूला आप देखें तो डायरेक्टली कोई नहीं लगाता, जो अच्छे फॉर्मूला वाले, ठीक है जी। जो तो इनके फॉल्स वाले पार्ट में मैंने रिजेक्टेड दे दिया, ठीक है जी, तो मेरा काम तो कर गया, ठीक है जी।
पर इफ के साथ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाती है कि इसमें थोड़ा सा लॉजिक डिजाइन करने में दिमाग खराब हो जाता है। मान लीजिए अगर इसकी जगह पे मुझे कोई फॉर्मूला ऐसा बनाना होता, अगर इसका एक फॉर्मूला बना दूं मैं तो कैसा बन के आएगा ये देखिए। यहाँ पे मुझे पूरा पूरा फॉर्मूला चाहिए, मैंने क्या करना है, यहाँ से इक्वल टू से कॉपी किया और जहां पे मैंने 8.2 दिया था वहां ये पेस्ट कर दी कंडीशन। ठीक है जी, लिंक हटा रहा हूं मैं इनका कि ये किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। यहां से कॉपी किया इक्वल टू से पहले और जहां ये रेफरेंस यूज हुआ है F22 वहीं जाके मैंने इसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे एक फॉर्मूला D20 यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। तो फुल कंडीशन आप इसी तरह से कह रहे हैं कि इस तरह से बननी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। पर फॉर्मूला जो है लंबा हो गया और समझने में भी मुश्किल है, बार बार सिलेक्टेड रिजेक्टेड करना पड़ता है। ठीक है जी, पर इसका एक सलूशन है मेरे पास। आप यूज कीजिए एंड का फॉर्मूला। यहाँ एंड का फॉर्मूला क्या करता है, इसमें आप मल्टीपल ऑफ लॉजिकल वैल्यूज चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, एक यहाँ डाला कॉमा या तीनों लॉजिकल वैल्यूज मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया एंड के फॉर्मूला। अब एंड का फॉर्मूला क्या रिजल्ट रिटर्न करता है वो देखिए। एंड का फॉर्मूला करता है जब तीनों में ट्रू होगा तो आपको ट्रू दे देगा। ठीक है जी, अब बाकी मैं फॉल्स कर देगा। ठीक है जी, तो एक फॉर्मूला से हो गया। अभी फेंस लगा दिए कि यहां पे ट्रू हो तो सिलेक्टेड दिखा दे, फॉल्स हो तो रिजेक्टेड दिखा दे। ठीक है जी, अभी इस फॉर्मूले को बनाना भी आसान है। डायरेक्टली मैं लगा सकता हूँ इफ एंड का, यहां से सीधा चेक करता चला जाऊंगा। अगर ये इक्वल टू वाई है, अगर ये इक्वल टू वाई है, या अगर ये इक्वल टू वाई है। ठीक है, एंड के अंदर का जो है रिजल्ट वही देना है, इसमें तीनों ट्रू है तभी ट्रू देगा। तो यहाँ पे दिखा देंगे सिलेक्टेड और यहाँ रिजेक्टेड। ठीक है जी, इनवर्टेड कॉमास में डाल। ठीक है जी, तो आपका ये छोटा सा फॉर्मूला बन गया, कॉम्प्लिकेशन भी नहीं रही और रिजल्ट भी आपका ठीक आ गया। ठीक है जी, और ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले के मुकाबले काफी आसान रहता है। ठीक है जी, तो एंड का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं जब हमें कंडीशन चेक करानी हो कि तीनों में ट्रू हो तो ट्रू आए, मतलब मल्टीपल कंडीशन में जब ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है जी, इसी तरह से एंड में मुझको एंड समझेंगे एक बार फिर से, कुछ और दूसरे एग्जांपल से समझेंगे क्या एंड का मतलब होता है। जैसे कंडीशन चेक करते हैं ना, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है जी, इफ का पैटर्न क्या है, इफ का पैटर्न है कि यहाँ पे जब उसे ट्रू फॉल्स मिल जाएगा तो इन दोनों में से रिजल्ट स्विच करेगा। ट्रू के केस में पहला वाला दिखाएगा, फॉल्स के केस में दूसरा वाला दिखाएगा। ठीक है, हाँ। इफ के जरिए हमने कैसे किया कि हमने इसमें चेक किया कि अगर पहली कंडीशन हमारी ट्रू आ रही है तो ट्रू वाले पार्ट में हमने एक और फॉर्मूला दे दिया कि इफ अगर दूसरा वाला भी ट्रू है तो फिर एक दे दिया अगर तीसरा वाला भी ट्रू है तो सिलेक्टेड दिखा दे। ठीक है जी, तीन बार ट्रू मिला इसे, ट्रू के पाथवे से गया तो सिलेक्टेड दिखा दिया। ठीक है जी, और बाकी रेस्ट अदर केसेस में रिजेक्टेड लिख दिया। ठीक है जी, तो एंड का फॉर्मूला मुझे फैसिलिटेट करता है कि मैं तीनों कंडीशन को इवेल्युएट करूं एक साथ, और जो कि तीनों में अगर मेरा ट्रू आता है, इन तीनों कंडीशन में अगर मेरा ट्रू आएगा, तीन भी हो सकती है चार भी हो सकती है, सारी कंडीशन में अगर ट्रू है तो ही एंड का फॉर्मूला ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ठीक है जी, ओके। तो रिक्वायरमेंट मेरी ये थी कि तीनों में यस होना चाहिए ना, तो
इसमें एक ही फॉर्मूले से हमने चेक कर लिया। यहां देखेंगे जहां मैंने खोल के लगाया हुआ फॉर्मूला एंड के अंदर, लॉजिकल वन में मैंने पहला चेक कराया, लॉजिकल टू में मैंने दूसरा चेक कराया, लॉजिकल थ्री में मैंने तीसरा चेक कराया। एफ नाइन करके देखता हूं तो यहां क्या आ रहा है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स टू इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। तो अगर ये भी ट्रू होता तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, पर इसमें एक फॉल्स आ गया तो अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। कंडीशन ये है कि तीनों में ट्रू होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब इसने फॉल्स रिटर्न करा तो रिजेक्ट आ गया, ठीक है जी। जहां पे सिलेक्टेड आया उसमें देखेंगे क्या है, इसमें अपना यहां ट्रू हो गई कंडीशन, तो ये पूरा कैलकुलेट हो गया। यहां एक ट्रू हो गई, यहां पे दूसरी ट्रू हो गई और यहां पे तीसरी ट्रू हो गई। तो एंड के फॉर्मूला ने क्या दिया, टोटल मुझे ट्रू दे दिया। तो ट्रू के बेस पे इसने फैसला कर लिया सिलेक्टेड देना है कि रिजेक्टेड देना है, तो ट्रू के बेस पे सिलेक्टेड दे देगा, ठीक है जी। जी अब क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन? अभी लगाऊंगा तो समझ आएगा, यूज करूंगा तब, ठीक है जी। इसका सीधा सा मतलब है कि तीनों में जब सारी कंडीशन हमारी ट्रू रिटर्न करेंगी तो एंड का फॉर्मूला भी ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ओके ओके, ठीक है जी। यही मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा के दिखाया अलग अलग करके, ठीक है जी। फिर और का फॉर्मूला, सपोज कीजिए कि आप जाते हैं एक बैंक में और वो कहते हैं कि आप या तो वोटर आईडी दे दो मुझे, या डीएल दे दो, या पैन कार्ड दे दो, ठीक है जी। ज्यादा हो कोई बात नहीं, पर मिनिमम एक तो होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें हमारी कंडीशन बोल रही है कि तीनों में से कोई भी ट्रू हो तो ट्रू आ जाए, है ना। अच्छा, यही कंडीशन बनेगी। एंड में क्या था, कंपल्शन थी कि तीनों में ट्रू होना ही चाहिए तभी ट्रू होना चाहिए। एंड में क्या, किसी एक में भी ट्रू आ जाए तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है जी। तो और का फॉर्मूला वही रिजल्ट फॉलो करता है। मैंने तीनों कंडीशन इसके अंदर दे दी, तो किसी के अंदर भी अगर हमारा ट्रू आ रहा है, अभी दो के अंदर ट्रू है तो ये ट्रू ही रिटर्न करने वाला है। तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू के बेस पे मैं अपना इफ से रिजल्ट जनरेट करा सकता हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इफ के जरिए इसे कैसे करेंगे। पहली कंडीशन चेक करी वाई है, और एक में ही मिल गया, पहले में ही अगर वाई मिल जाता है तो ओके कर देता हूँ ट्रू में, अगर नहीं मिलता है तो दूसरे में चेक करूंगा वैल्यू फॉल्स में, तो इफ आगे बढ़ेगा ये, ठीक है जी। अब इसमें चेक किया, अगर इसमें यस मिल जाता है तो ओके कर दे, यहाँ भी नहीं मिलता है तो फॉल्स वाले के इसमें एक और इफ फॉलो करूंगा, इसमें यस मिल जाता है तो ट्रू में ओके दिखा दूंगा, अदरवाइज नॉट ओके, ठीक है जी। तो इफ का फॉर्मूला इस तरह से। अब मान लीजिए कोई और सरकारी काम कराने गए, उन्होंने आपसे कहा कि आप आईडी प्रूफ ले आइए या एड्रेस प्रूफ दे दीजिए, ठीक है जी। दो लिस्टेड है, आईडी प्रूफ में आप वोटर आईडी या आधार कार्ड दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप डीएल या राशन कार्ड दे सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से तो अब कंडीशन क्या बन रही है, इन दोनों में से किसी में भी वाई हो और इन दोनों में से किसी में भी वाई हो, पर इन दोनों कैटेगरी में किसी मतलब दोनों कैटेगरी में एक यस होना जरूरी है, ठीक है जी। तो इन दोनों के लिए पहले और लगेगा, इन दोनों के लिए अलग अलग और लगेगा, फिर ये और की कंडीशन एंड के अंदर चली जाएगी। तो पहले मैंने और लगाया इधर पे, इन दोनों को चेक किया इसमें, फिर और लगाया इस पे, इन दोनों को चेक किया, और इन दोनों का जो ट्रू फॉल्स रिजल्ट आ रहा है वो मैंने पास कर दिया किसके अंदर, एंड के अंदर, ठीक है जी। कि दोनों में जब ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो यहाँ ओके नॉट ओके आ गया,
एफ के फॉर्मूला से, ठीक है जी। कंफ्यूजन कोई इसमें? नहीं कंफ्यूजन नहीं, बस ये सोच रहा हूँ डायरेक्ट लिखना होगा तो कैसे बनाएंगे, वो सोच रहा हूँ। डायरेक्ट ही एंड और का आपका बन जाता है, कोई वो बड़ा नहीं, कंडीशन को सोच के देख। हाँ ये फाइल आप मतलब वो डिलीट मत करिए, फाइल भेज दीजिए। हाँ फाइल मैंने भेजने के लिए रखी है, ठीक है जी। ओके ओके, फिर उस फॉर्मूला को कंबाइंड कर लिया यहाँ पे, ये देखिए फुल फॉर्मूला। इफ के अंदर क्या लगा? एंड लगा, ठीक है जी, एंड लगा पूरा पूरा। और एंड के अंदर क्या लगा? और अच्छा जो पहले और, का। ओके लॉजिकल टू में और, ओके ठीक है जी। क्योंकि और जो है रिजल्ट देगा, यहां से दे दिया इसने, यहां से दोनों ने ट्रू दिया, दोनों ने ट्रू दिया, तो एंड का फॉर्मूला क्या देगा? ट्रू दे देगा, तो देगा। ओके तो ओके नॉट ओके चूज हो जाएगा। जहां नॉट ओके आया है उसमें क्या हुआ है कि किसी में एक में फॉल्स आ गया होगा, ठीक है। पहले वाले में फॉल्स आ गया, दूसरे वाले में ट्रू आया, तो एंड तो वापस करने वाला नहीं, एंड फॉल्स ही भेजेगा, ठीक है जी। एंड फॉल्स भेजेगा, फॉल्स के बेस पे नॉट ओके, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला अपना चूज कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो आप इसके लिए थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करें, काफी सारे सवाल सर्च करके, जो ऐसे कंडीशनल होते हैं, ठीक है जी। कंडीशनल में जैसे आपका ही सोर्सिंग प्लान है, ठीक है जी, उसमें चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ यस हो तो अगला क्या हो, ठीक है जी। अब वहाँ दो कंडीशन है आपके सोर्सिंग प्लान में, कि यहाँ आपका WBS कोड जो है एक वो होना चाहिए कि 03, खैर आप वो बना नहीं पाएंगे, छोड़िए, कोई हल्का ट्राई कीजिए। हल्के के लिए मैं दिखा देता हूँ, टेक ऑन द नेट पे जाएंगे, ठीक है जी, एक्साइटेड टेक ऑन द नेट करके एक्सेल। अब यहां से एक्सेल फंक्शंस देखेंगे तो WS कैटेगरी वाइज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी ये कैटेगरी वाइज है, तो कैटेगरी वाइज देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको लॉजिकल फंक्शंस एक साथ दिख जाएंगे, ठीक है जी। अब इफ का यूज कैसे किया हुआ है, एंड का यूज कैसे किया हुआ है, यहाँ आपको फॉर्मूले और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। कुछ एग्जांपल भी हैं, प्रैक्टिस वर्क आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो इनको प्रैक्टिस के तौर पे कीजिए, ठीक है जी। इफ मोर देन 7, अब कंडीशन ही कंडीशन लगाइए, ये else if वाली, आपको VBA थोड़ी बहुत आती है ना? हाँ, तो ये कंडीशंस ट्राई कीजिए कि ये कैसे कैसे लगी हुई है इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसी में से कर करके प्रैक्टिस कर। तो इफ का फॉर्मूला, इफ एंड और दिखाया, दो इसमें फालतू फॉर्मूले हैं वो भी बता देता हूँ। एक ट्रू है, ट्रू का फॉर्मूला हमेशा ट्रू रिटर्न करता है, फॉल्स का फॉर्मूला हमेशा फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है जी। इनका कोई यूज नहीं, क्योंकि आप वैसे भी लिखेंगे तो ट्रू फॉल्स आ जाता है, ठीक है जी। देन इन सब के अलावा एक और फॉर्मूला है अपने पास नॉट का, ठीक है जी। अब एंड इफ से आप ट्रू फॉल्स का रिजल्ट ला रहे हैं, किसी तरह ला रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो गई, बट आपने लगा रखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वहां पे क्या कंडीशन है कि जब वैल्यू ट्रू हो तभी फॉर्मेट करता है, पर कंडीशन कुछ ऐसी बन गई है कि वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, आप फॉल्स रिटर्न करने वाले पे करवाना चाहते हैं, ठीक है जी। फॉल्स कोई फॉर्मूला रिटर्न करे उस पर आप कलर कराना चाहते हैं, तो उस पूरे फॉर्मूले को नॉट के अंदर डाल दीजिए, ठीक है जी। नॉट के अंदर ये क्या करेगा, रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर था ना, उसी तरह से ये भी है, तो ये रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे जो भी ट्रू फॉल्स था उसका ट्रू बना देगा, ट्रू का फॉल्स बना देगा, ठीक है जी।
ओके रिजल्ट को रिवर्स करने के लिए। अब हमारे पास मान लीजिए एक चीज है कि मैंने एक शीट है उसमें डिवाइड करके एक फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है जी, वैल्यू डायनेमिकली अपडेट हो रही है इसमें, क्या है कहीं जीरो होगा तो डिवाइड करते हैं तो ये एरर देता है, वी लुकअप में भी ऐसी एरर आएंगे आपके पास, ठीक है जी, एन ए करके एरर आएगी, तो आप चाहते हैं जब एरर आए तो एरर ना दिखाए, क्योंकि शीट अपडेट होती रहेगी, बेशक से उसको ब्लैंक कर दे पर एरर ना दिखाए, ब्लैंक करना चाहते हैं इसको क्योंकि एरर से थोड़ा ऑड लगता है डेटा हमारा, तो ब्लैंक करने के लिए अपने पास एक जैसे इफ यूज करते हैं, इफ से हम इक्वल टू एरर डिटेक्ट करें, उससे अच्छा हम यूज करेंगे इफ एरर। इफ एरर में क्या देना है आपको, पूरा फॉर्मूला देना है और कॉमा करके वो वैल्यू जो अगर एरर आए तो क्या देना चाहते हैं, तो यहां मैं यूज करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल दिए, बीच में कुछ नहीं डाला है, उसका मतलब हो गया ब्लैंक कि कुछ नहीं आना है, इस फॉर्मूला को मैंने ड्रैग कर दी तो जहां एरर थी वहां कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है जी, मान लीजिए अगर इसमें वैल्यू आ जाती है तो आपकी वैल्यू दिखाएगा, पर कभी एरर आती है तो एरर नहीं दिखाएगा, या जो कोई कस्टम टेक्स्ट आप दिखवाना चाहते हैं वो दिखाएगा, ठीक है जी। तो ये था आपका लॉजिकल फंक्शन जो हमने आज किए और फॉर्मूला इंट्रोडक्शन, अब कल उसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट को करेंगे क्योंकि इफ का फॉर्मूला ही हम उसमें बहुत खींचने वाले हैं। ओके ओके ठीक है सर, ये फाइल मैं आपको मेल कर दूंगा।